हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरेन्सा एकेडमी। आज टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहीपर। सो पेपर टू यूनिट थ्री रे बायोकेमिस्ट्री पेपर रे ये टॉपिक रही। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहिले कौन बुझू? वेरियस कॉम्प्लेक्स हेल्प रे इलेक्ट्रॉन गोटे कम्प्लेक्स रु आ गोटे कम्प्लेक्स को ट्रांसफर हुए। तो से कहूँ कि चेन मैनर रे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन आसला कौठु ना? इलेक्ट्रॉन रिलीज होची जेते बड़े एनएडीएच एंड एफएडीएच टू ऑक्सीडाइज होची। तो ऑक्सीडेशन हम, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस हम। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हेले से इलेक्ट्रॉन रिलीज होची गोटे कम्प्लेक्स रु आ गोटे कम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट होची बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर थ्रू रे ट्रांसफर होची, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर किए, कम्प्लेक्स कौन, ये सब आम डिटेल्स जानवा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को परफॉर्म करुची किए ना? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जे कि सेल्युलर रेस्पिरेशन पे रिस्पांसिबल। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन रे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ए सब प्रोसेस रही। तो आम सिलेबस हिसाब से आम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डायरेक्ट आसीचे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जे कि पावर हाउस ऑफ द सेल हिसाब रे समस्त को जाना थी। तो पावर हाउस आम एथिपाई कहूँ कारण माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जेनरेट करे या तो एटीपी सिंथेसाइज करे। तो एटीपी सिंथेसाइज हम केमिति ना? जेते बड़े इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम, से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हवा फल प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट हम। प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट हेले गोटे कम्प्लेक्स, पांचटा कम्प्लेक्स रु गोटे कम्प्लेक्स जार ना कम्प्लेक्स फाइव, जे कि एटीपी सिंथेज ना रे नामित, से कम्प्लेक्स एटीपी सिंथेसाइज करे। तो मु एते जो कम्प्लेक्स कहूची, कम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5, से कम्प्लेक्स कौन, कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करूची केमिति, ये सब आम डिटेल्स जानवा मेटाबॉलिक पाथवे रे। तो मेटाबॉलिक पाथवे को जीवा आगर आम माइटोकॉन्ड्रिया रो स्ट्रक्चर टिके देखि नबा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जे कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हैविंग आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो एतिकी पार्ट को जदि आम जूम आउट करूचे, तो आमको एठी देखा जाउची कि बाहरे बाहरे जे लेयर रहला आउटर लेयर, इनर लेयर जोटा कि देखी पारुथुबे फोल्डेड हेची एठी। तो ये पिंक कलर लेयर एंदी फोल्डेड हेची। तो फोल्डेड लेयर जहाँ को कुहा जाउची फोल्डिंग्स को क्रिस्टी। तो मु डायग्राम करिछी एठी, जस्ट जूम आउट व्यू। सो दिस इज क्रिस्टी एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो डायग्राम रे देखिया देखा जाउथवा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस लेखा हिची। तो मु एठी देखै दउची कि इनर मेम्ब्रेन आ आउटर मेम्ब्रेन मझरे जे जागा रहले सेटा हमर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जाने को हेले हमको आउटर मेम्ब्रेन जाने को पड़िबो, इनर मेम्ब्रेन जाने को पड़िबो, स्पेस जाने को पड़िबो, क्रिस्टा कोठी अच्छी जाने को पड़िबो, एंड ये जो क्रिस्टा अच्छी ये भीतर जेली लाइक सब्सटेंस अच्छी जो लेयर को आम एठी कहूचे मैट्रिक्स, ठीक अच्छे। तो ये सब लोकेशन आम जानले आम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इजिली बुझीपर। तो क्रिस्टे जोटा आम कहे से क्रिस्टे एटीपी सिंथेज रही, जमीक मुझे कहली एटीपी सिंथेज, दैट इज द कम्प्लेक्स फाइव, एंड कम्प्लेक्स फाइव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक अच्छे। तो
तो एटीपी सिंथेस जे की रखी कौन ना एफओ एफ वन पोषण और एफओ एफ वन सब यूनिट तार काम कौन केमिति कौन करे सेटा हमें आगो को जानिबा। तो फर्स्ट आम को जानिबार अछि ईटीसी कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन से चेन कौटा ना देखिबा हमें डायग्राम। सो दिस इज द कंप्लीट व्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेस। तो ये हमें देखिपे कम्प्लेक्स वन रही कम्प्लेक्स टू रही कम्प्लेक्स थ्री रही कम्प्लेक्स फोर रही एंड दिस इज एटीपी सिंथेस और कम्प्लेक्स फाइव। तो मुझे पार्टीशन करदेगी कम्प्लेक्स वन टू फोर ठीक अच्छे। सो कम्प्लेक्स वन टू फोर पार्टीशन मुझे ये कली ना वन टू फोर जाए जी रहा कम्प्लेक्स जे पाथवे रहा दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक अच्छे। सो ओनली कम्प्लेक्स फाइव व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी सिंथेस हाई सॉरी व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मन रखा यहाँ भले कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कौन ना फॉस्फोराइलेशन माने ही एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो ये देखुचे आम फॉस्फेट एड एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट रे जे कि बनेला एटीपी। तो एटीपी बनला फॉस्फेट एड तो प्रोसेस को आम कहे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये तो है एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस ता विषय में आहुरी भी जानिबा। तो एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस को हमें सेपरेट क्लास रे डिस्कस करिबा। तो आज क्लास केवल आम ईटीसी को डिस्कस करूचे। तो ईटीसी को आम डिटेल्स जानूचे एवं तो केमिति ना ये जो डायग्राम अच्छी ये डायग्राम जदि आम भल बुझा तो आम ईटीसी बहुत भल बुझीपर। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज हम तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हवापी जमती कि मुँह कहली ऑक्सीडेशन हम। तो ऑक्सीडेशन जे होची किए होची ना एनएडीएच। तो एनएडीएच एडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कला सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। तो एनएडीएच जिते इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कला ताको रिसीव करने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अच्छा। सो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जी कि एफएमएन फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ठीक अच्छे। सो फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड रु देन नेक्स्ट से एफईएस को जीवा जे कि आयरन सल्फर सेंटर देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गला कहा पाको ना देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गला यूबी क्विनोन पाको। तो इलेक्ट्रॉन एनएडीएच रु गला एफएमएन देन इलेक्ट्रॉन एफएमएन रु एफईएस देन इलेक्ट्रॉन एफईएस रु यूबी क्विनोन। तो देखिवा ना इलेक्ट्रॉन गोटे जगार आ गोटे जगह को ट्रांसपोर्ट होन कम्प्लेक्स वन टू कम्प्लेक्स थ्री को जीव। तो यहाँ भल मन रख कम्प्लेक्स वन टू कम्प्लेक्स थ्री टू कम्प्लेक्स फोर देन कम्प्लेक्स टू टू कम्प्लेक्स थ्री देन कम्प्लेक्स थ्री टू कम्प्लेक्स फोर ठीक अच्छे। सो यार जो मैनर रोच थ्री फोर देन टू थ्री फोर। तो वन थ्री फोर को आम फर्स्ट देखुचे कि एनएडीएच ऑक्सीडाइज हेले इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन रु कॉम्प्लेक्स थ्री देन फोर को ट्रांसपोर्ट होचे। तो ये आम भले कि जानूचे जे इलेक्ट्रॉन गोटे चेन लाइक मैनर रे ट्रांसपोर्ट हेला दैट इज व्हाई द नेम सजेस्ट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक अच्छे। तो आम ये मन रखा कि कौ कौ सब यूनिट देकना जाऊँ तो एठी जे सब यूनिट्स अच्छा जे कम्प्लेक्स बनई प्रोटीन कम्प्लेक्स जो मैंने कि इलेक्ट्रॉन कैरियर ना रे जाना जाउछंती तो से माने एफएमएन एफईएस। सो एफएमएन फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड देन एफईएस आयरन सल्फर सेंटर देन यू क्यू दैट इज यूबी क्विनोन ठीक अच्छे। यूबी क्विनोन देन यूबी क्विनोन रु इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैला कम्प्लेक्स थ्री को। सो कम्प्लेक्स वन टू थ्री को ट्रांसफर करने आसला किए ना यूबी क्विनोन देन थ्री को जिते बड़े इलेक्ट्रॉन आसला एटी रही साइटोक्रोम बी देन साइटोक्रोम सी को ट्रांसफर है देन सॉरी साइटोक्रोम बी टू देन साइटोक्रोम सी वन को ट्रांसफर है देन साइटोक्रोम सी वन टू गला इलेक्ट्रॉन कहा पाक ना साइटोक्रोम सी पाक।
तो साइटोक्रोम सी ही जे जे कि कॉम्प्लेक्स 3 रु कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करिवो। तो कॉम्प्लेक्स 4 को जेते बेले इलेक्ट्रॉन आसीला से आसीला कहा पक्को ना कॉम्प्लेक्स 4 रे रहिछि कि एना साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए3। तो साइटोक्रोम ए को आसीबो साइटोक्रोम ए3 को जीवो एंड ये जो साइटोक्रोम ए एंड ए3 ए माने हेले कोनो नै आंकु जने कनेक्ट करिकिना अछि जोटा कि कॉपर ठीक अछि। सो कॉपर अटैच हेकिना रहिछि एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन जीवो कहा पक्को ना फाइनली इलेक्ट्रॉन रिसीव करिवो ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्वेश्चन बहुत थर पछरा जाए इटीसी रे कि फाइनल इलेक्ट्रॉन किए नौचे ना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन जे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिके ना दउची कोन ना वाटर। दिस इज द मेटाबॉलिक वाटर ठीक अछि। तो ये जो चेन लाइक रे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होउची तो ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हवा फल रे एथिरो एटीपी केमती फॉर्मेशन हला ना इलेक्ट्रॉन जते बेला ट्रांसपोर्ट होउची आमे डायग्राम रे देखु जे सबुठी प्रोटॉन भी फॉर्मेशन हेची मतलब प्रोटॉन फॉर्मेशन हेनी प्रोटॉन पंप होउची प्रत्येक कॉम्प्लेक्स रु प्रोटॉन पंप होउची। सो जते बेला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होउची से इलेक्ट्रॉन किछि एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करूची इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। सो कॉम्प्लेक्स 1 कोन करची ना चारिटा प्रोटॉन पंपिंग करीची कॉम्प्लेक्स 3 चारिटा प्रोटॉन पंपिंग करीची कॉम्प्लेक्स 4 दुईटा प्रोटॉन पंपिंग करीची। तो प्रोटॉन जते बळे पंपिंग हेईची कोठो ना मैट्रिक्स रु इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ओबवियसली मैट्रिक्स रे बे को हे गला ना लो कंसंट्रेशन हे गला कहार प्रोटॉन रो आ एठी हे गला हाई कंसंट्रेशन ठीक अछि। तो हाई कंसंट्रेशन जते बळे प्रोटॉन हे जाउची इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रे तो आमे जानु छे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को कोन होबो ना ट्रांसपोर्टेशन हुए ठीक अछि। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जते बळे आसीला या तो आमे कहि परिबा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होउची सेते बळे हाई कंसंट्रेशन रु लो कंसंट्रेशन को प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करिवो। तो ये जितकी प्रोटॉन एठी बनीची से प्रोटॉन सब ए जो मशीनरी आमे देखु जे एटीपी सिंथेज लेखाय छि मशीनरी थ्रो रे जे कि एफओ F1 सब यूनिट रे बना है छि से थ्रो रे प्रोटॉन पूर्णी वापस मैट्रिक्स को आसी जाउ छि ठीक अछि। तो हाई कंसंट्रेशन हितला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रे लो कंसंट्रेशन अछि मैट्रिक्स रे तो हाई टू लो को ट्रांसपोर्ट हे गला। तो ट्रांसपोर्ट हबा फल रे फॉस्फोराइलेशन होची तो जो थे एटीपी फॉर्मेशन होची। तो केमिति ट्रांसफर हला मशीनरी मुझे कहूँ सेटा कौन से सब आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिवा। तो आज केवल आम जानू छे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे इलेक्ट्रॉन रिलीज हले एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होची बाय द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन पंपिंग होची एटा आम देखिले। तो कहार रे देखिले ना कॉम्प्लेक्स 1 2 3 टू 4 बट क्वेश्चन एटा आसुथुबो कि मैम कॉम्प्लेक्स 2 काही आ कॉम्प्लेक्स 2 रो रोल कोन। तो कॉम्प्लेक्स 2 जे की आसुची कोठो ना कॉम्प्लेक्स 2 आसुची क्रेब्स साइकिल रो। तो क्रेब्स साइकिल रो जते बळे सक्सिनेट रो फ्यूमारेट बनुची सते बळे कोन होची ना एठी FADH2 ऑक्सिडाइज होची। तो क्रेब्स साइकिल रु कोन आसी छे ना क्रेब्स साइकिल रु FADH2 आसी जाय छी। तो क्रेब्स साइकिल रे NADH2 फॉर्मेशन हुए FADH2 फॉर्मेशन हुए से FADH2 ऑक्सीडेशन हला ऑक्सीडेशन है कि ना इलेक्ट्रॉन लॉस करला जोत्र से FAD बनेला केते बळे हिचे ना जते बळे सक्सिनेट रु फ्यूमारेट बनी छी। तो से इलेक्ट्रॉन एठी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हला आ से इलेक्ट्रॉन रिसीव कला किए ना रिसीव कला यूबी कोइन। तो एठी कोनोसी प्रोटॉन पंपिंग हेई नाही क्लियरली मार्क करो कॉम्प्लेक्स 2 रे कोनोसी प्रोटॉन पंप हेई नाही हला। तो एठी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हला ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हला डायरेक्टली का पक्को ना साइटोक्रोम बी पक्को एंड साइटोक्रोम C1 देन साइटोक्रोम C देन साइटोक्रोम A देन साइटोक्रोम A3 देन फाइनली ऑक्सीजन। सो कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स 3 देन कॉम्प्लेक्स 4 ठीक अछि।
तो आउ थरे मु कहि दउची आमे जानुचे जे कॉम्प्लेक्स वन रु इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थ्री को गला देन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर को गला तो कॉम्प्लेक्स वन को इलेक्ट्रॉन देला किए ना कॉम्प्लेक्स वन को इलेक्ट्रॉन देला NADH इलेक्ट्रॉन देछि हैला देन आमे कथा लगुचे कहा कथा ना वन FADH टू वन FADH टू रु इलेक्ट्रॉन गला कहा पाकु ना कॉम्प्लेक्स टू देन कॉम्प्लेक्स थ्री देन आसिला कहा पाकु ना कॉम्प्लेक्स फोर एंड फाइनली ए इलेक्ट्रॉन रिसीव कला किए ना ऑक्सीजन देन ये भी इलेक्ट्रॉन रिसीव कला किए ना ऑक्सीजन सो दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लियर ठीक अच्छे तो ये सब आम ये गोटे जिनस जानूचे जे NADH ऑक्सीडाइज हम इलेक्ट्रॉन रिलीज हम FADH2 ऑक्सीडाइज हम इलेक्ट्रॉन रिलीज हम देन इलेक्ट्रॉन रिलीज है ना कॉम्प्लेक्स वन टू थ्री टू फोर को ट्रांसपोर्ट हम या तो टू टू थ्री टू फोर को ट्रांसपोर्ट हम तो एक गोटे सिस्टमैटिक मैनर रे ट्रांसपोर्ट हो यार ना है मेटाबॉलिक पाथवे ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो डेफिनेशन एवं मुहरे मन मन रही कि कौन डेफिनेशन आम लिखा ना डेफिनेशन आम ये लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स by the oxidation of NADH and FADH2 clear ya ta me emiti bi mane rakhi pariba oxidation of NADH plus H plus and FADH2 leads to release of electron and stored energy in a metabolic pathway in which electrons are transferred through electron carriers सो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रो ना माने आमे टिके जानि देबा तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जेमिति कि मु एबे डायग्राम रे देखै थिली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स सो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स सेम दे आमे कहले FMN फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड आयरन सल्फर सेंटर यूवी क्विनोन देन साइटोक्रोम तो साइटोक्रोम रे पांचटी सब यूनिट रहउची तो साइटोक्रोम रे कोन कोन रहउची ए3 ए सी सी वन एंड बी सो साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी वन साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए थ्री क्लियर तो जहाँ जहाँ आम आज पढ़ीचे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे आउ थरे टिके डायग्राम आम रिव्यू करदेबा सो डायग्राम रे जमती स्टार्टिंग रे मुझे कही माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड बाहर ये रहा आउटर मेम्ब्रेन एंड आउटर इनर मेम्ब्रेन भितर रहा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तो डायग्राम कहीं जरूरी ना डायग्राम ये जरूरी ए डायग्राम ऊपर क्वेश्चन आसो कि कॉम्प्लेक्स कौटी अच्छी एटीपी कौटी बनला प्रोटोन कौटिकी आसला सो मन रखा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रे प्रोटोन ग्रेडिएंट क्रिएट हो गला हाई कंसंट्रेशन हो गला मैट्रिक्स रे लो कंसंट्रेशन हो गला देन आम देखुचे जे कॉम्प्लेक्स माने समस्ते इनर मेम्ब्रेन रे एम्बेडेड अच्छा सो कॉम्प्लेक्स वन जे कि ना दिया ही ची तारो NADH डिहाइड्रोजिनेज तो एबे तो तमे इलेक्ट्रॉन कैरियर ना जानीगले आमे प्रोसेस जानीले एबे आमे रो जानिबार अछि कॉम्प्लेक्स रो ना ठीक अच्छे आम फर्स्ट जानले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर कॉम्प्लेक्स वन जरूरी कॉम्प्लेक्स थ्री जरूरी कॉम्प्लेक्स टू जरूरी कॉम्प्लेक्स फोर जरूरी ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तेज आम चारिटा कॉम्प्लेक्स ना मन रखा सो कॉम्प्लेक्स वन NADH डिहाइड्रोजिनेज सो NADH ऑक्सीडाइज हो तो एंजाइम आसीगला डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सो कॉम्प्लेक्स वन रो ना से हिसाब से आम देदेले NADH डिहाइड्रोजिनेज यूवी क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज सो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होची जणे इलेक्ट्रॉन रिलीज करुची जणे इलेक्ट्रॉन रिसीव करुची देखिवा केमती इलेक्ट्रॉन रिलीज हला केमती इलेक्ट्रॉन गेन होची ना देखिवा इलेक्ट्रॉन रिलीज हेची आसला का पक्कू यूवी क्विनोन सो यूवी क्विनोन इलेक्ट्रॉन लॉस करला
सो प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन देन इलेक्ट्रॉन लॉस कला पोरे सॉरी यूवी क्विनोन ये इलेक्ट्रॉन को आनला परे यू क्यू एच टू हो गला देन इलेक्ट्रॉन डोनेट करला सो इलेक्ट्रॉन रिसीव भी करुची इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करुची सो ऑक्सीडेशन भी होची रिडक्शन भी होची तो एंजाइम ऐसे गला ऑक्सीडो रिडक्टेज तो कॉम्प्लेक्स रो नाम हमें सिमति दे दबा एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज यूबी क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज देन कॉम्प्लेक्स 3 जेहेतु साइटोक्रोम रहिची तो साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स या तो आम एम भी ना दे पारा यूबी क्विनोन साइटोक्रोम बी सी वन ऑक्सीडो रिडक्टेज एमती आम ना दे पारा यूबी क्विनोन साइटोक्रोम यूबी क्विनोन साइटोक्रोम बी सी वन ऑक्सीडो रिडक्टेज एठी मध्ये ऑक्सीडेशन होउची रिडक्शन भी होउची इलेक्ट्रॉन लॉस भी होउची इलेक्ट्रॉन गेन भी होउची देन कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 2 रो नाम देबा सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज काहेकि ना एठी सक्सिनेट रो फ्यूमरेट बनिला तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज इलेक्ट्रॉन रिसीव किए करिची ना इलेक्ट्रॉन रिसीव करिची यूबी क्विनोन तो आम लिखी पारिबा सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज यूबी क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज भी मन रखी पारिबा सो सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज यूबी क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज देन आसी जबा कॉम्प्लेक्स 4 पक्को कॉम्प्लेक्स 4 रे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ठीक अछि सो कॉम्प्लेक्स 1 रो ना रहिला एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज यूबी क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 रो ना रहिला यूबी क्विनोन साइटोक्रोम बी सी वन ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 2 रो ना रहिला यूबी क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 4 रो ना रहिला साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंड कॉम्प्लेक्स 5 जे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस रे जाउची दैट इज एटीपी सिंथेज एटीपी सिंथेज दिस इज कॉम्प्लेक्स 5 द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 देन कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स 1 एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज यूबी क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज देन कॉम्प्लेक्स 3 यूवी क्विनोन साइटोक्रोम बी सी वन ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 2 यूवी क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यूवी क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज देन कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ठीक अछि देन नेक्स्ट आम एठ जानवा हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटीपी हाँ तो आम एठ जानूछे एठी हमरो डायग्राम रे लेखा है ची देखी दवा कि डायग्राम रे एठी कौन लेखा है ची वन एनएडीएच कॉजेस 10 प्रोटॉन्स टू बी पम्प्ड यील्डिंग 2.5 एटीपी एंड वन एफएडीएच टू यील्डिंग 1.5 एटीपी केमिति बहुत इजी वे ना आम फर्स्ट देखिले वन एनएडीएच कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन रिलीज करला तो इलेक्ट्रॉन जेतेबेले रिलीज करला सेठी से प्रोटॉन पम्प करथिला 4 ठीक अछि 1 रो देन गला कोठी की ना कॉम्प्लेक्स 3 को सेठी मध्ये प्रोटॉन रिलीज करथिला 4 ठीक अछि देन आसिला कोठी की ना कॉम्प्लेक्स 4 को कॉम्प्लेक्स 4 रे बट रिलीज करिछि ओनली 2 सो टोटल प्रोटॉन नंबर केते हे गला ना 4 4 8 2 10 तामे इटा जानिबा कि चारिटा प्रोटॉन रे गोटे एटीपी बने ताहले 10 टा प्रोटॉन रे केतटा एटीपी बनिबो दैट इज 2.5 एटीपी तो इजी मने रखियागु 1 NADH is equal to 2.5 ATP. ठीक अच्छे एक्जाक्ट सेमिति आम मन रखा FADH2 रे सो गोटे FADH2 जोटा कि आसला कौठ ना क्रेब साइकिल रु इलेक्ट्रॉन देला क्या 2 को देन 2 रु इलेक्ट्रॉन कौटिक गला 3 को देन 3 रु कौटिक गला 4 को तो 2 रु प्रोटॉन नाही 0
जीरो प्रोटन, थ्री आसला चारोटी प्रोटन, फोर आसला दुईटी प्रोटन, तो ये हला केतटा ना टोटल हो गला आमर ये छोटी प्रोटन। जदि चारिटी प्रोटन गोटे एटीपी दौर तेल छोटी प्रोटन आमको 1.5 एटीपी दबो। ठीक अच्छे, तेल यही हिसाब से ही कैलकुलेशन हुए कि गोटे एनएडीएच 2.5 एटीपी दौर एंड गोटे एफएडीएच 1.5 एटीपी दौर। ठीक अच्छे, तो ये थिला आमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो थे आम माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर देखिले। माइटोकॉन्ड्रिया रे कोठी केमिति इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होची, कोठी कॉम्प्लेक्स रही, कॉम्प्लेक्स रो ना कौन, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रो ना कौन एंड एटीपी कोठी केते आसुची, तो ये सब हला आमर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड डायग्राम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जेते आम डायग्राम मन रखा से हिसाब से आम सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर परिबा। थैंक यू।